जरा ये तस्वीरें देखें, चोट के निशान, फटे हुए कपड़े और टूटा हाथ। इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके साथ मारपीट की गई है, लेकिन इनको किसी गलती की सजा नहीं मिली। ये सजा मिली है भाजपा को वोट देने की, और ये सजा दी है गांव के दबंग प्रधान अमरनाथ यादव ने। अमरनाथ यादव गांव के प्रधान होने के साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और उन्हें जब ये पता चला कि इस पीड़ित परिवार ने चुनाव में भाजपा को वोट दिया है, तो प्रधान साहब ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। गांव के प्रधान के साथ है, हम लोग के साथ है, ये राशन कार्ड सब कटवा दिया था। हमने यही कहा था प्रधान जी हमारा भी नाम चलना चाहिए, तो बोल रहा है कि हमारे समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए तो हम राशन कार्ड आपका चढ़वा देंगे। तो फिर जब ये मोदी जी जीत गए तो बोलता है कि हमको वोट नहीं दिए हो, अब घर में घुस कर हमारे पूरे परिवार को मारा है, हमने वोट उसको नहीं दिया इसके लिए, वो हमको मारा है, हमारे औरत को भी मारा है, माँ को भी मारा है, और लड़की को भी बेइज्जत किया है, अन्य लोग बचाने भी आए हैं, हमारा जाने हमला किया था, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मार पड़ी है। ये घटना हुई है यूपी के कुशीनगर के हाटा थाना इलाके के गांव सखापार माफी में। दरअसल गांव के प्रधान ने हाईकमान से वादा किया था कि गांव से अधिक वोट पार्टी को ही दिलवाएंगे, लेकिन महागठबंधन के बाद भी सपा को चुनाव में हार ही मिली। उस हार का गुस्सा गांव के प्रधान ने इस पीड़ित परिवार पर निकाला, इन कार्ड से पीड़ित परिवार का नाम ही काट दिया। वो प्रधान साहब ने कहा कि ये भाजपा को वोट देने की सजा है। आप खुद ही सुन लीजिए पीड़ित की जुबानी। बीजेपी के एजेंट में बना था, तो उसके चक्कर में मतलब कि चंद्रभान जी को पूछे कि किसने वोट दिए, तो बोले कि हम भाजपा को दिए, इसी के चक्कर में मतलब कि उनको मारने पीटने लगे और हमारा भी मतलब हाथ तोड़ दिए। हम लोग पोलिंग बूथ पे रोकते रहे कि ऐसा है कि ये मत कहिए कि साइकिल पे वोट दीजिए, तो ये नहीं माने, बोले कि बाद में धमकी दिए कि ऐसा है कि इसके बाद कभी एजेंट नहीं बनना है यहाँ पे। हाँ, हमारे घटना की जानकारी पुलिस महकमे तक पहुंची तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बात केवल राशन कार्ड को लेकर के जो है ये मामला जो है आया है, और जो तहरीर मुझे मिली हुई है उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और जो है कार्रवाई की गई। पीड़ित परिवार के साथ हुई इस अप्रिय घटना के बाद भाजपा विधायक पवन केडिया ने पुलिस को निष्पक्ष जाँच करने के आदेश दे दिए हैं। उनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, शुरू से अराजकता फैलाए हुए हैं, अब वो तिलबिला रहे हैं कि जनता ने इतना बड़ा उनके मुंह पर तमाचा मारा है कि गठबंधन किए कि मोदी जी को हराने के लिए सब बुद्धि उनकी फेल हो गई, लेकिन जैसा वो कर्म करेंगे उसका फल उनको मिलेगा, कानून अपना काम करेगा और कड़ाई के साथ उसका पालन होगा, उसमें कहीं किसी को छूट नहीं मिलेगी चाहे वो किसी दल का हो। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख गांव प्रधान फरार चल रहे हैं। गांव प्रधान अपने आवास पर ताला जड़कर फरार हो गए। देखा जाए तो संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मनमर्जी से किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन कुशीनगर में हुई इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। अब देखना होगा कि मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। यूपी के कुशीनगर से प्रमोद की रिपोर्ट, नवतेज टीवी।